कहानी शुरू होती है और हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जो कि जंगल में किसी खास किस्म के प्लांट को ढूंढने के लिए आए थे। अब क्योंकि जंगल में खतरा था इसीलिए वो अपने साथ काफी एडवांस्ड वेपन्स भी लाए होते हैं। और तभी उनमें से एक हंटर को वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जिसने सांप की स्किन को एज अ ड्रेस पहना हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई चीज बड़ी तेजी से इन हंटर्स की तरफ बढ़ रही है। वो चीज क्या थी हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर एक टाइटन स्नेक आ जाता है और इन हंटर्स पर अटैक कर देता है। तभी सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए उस पर बहुत ज्यादा फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से टाइटन स्नेक गुस्से में भड़क जाता है और वो एक एक करके इनको मारना शुरू कर देता है और अपना शिकार बनाने लगता है। और तभी उन हंटर्स में से एक किसी केव में गिर जाता है। लेकिन जब वो इस केव को चेक करने के लिए जैसे इसके अंदर जाता है तो इसे वहाँ पर कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है जो कि असल में एक प्लांट था और इस चमकने वाले प्लांट का नाम होता है लिथोस्पर्मम। और अब पता चलता है कि ये लोग इस प्लांट यानी लिथोस्पर्मम को ढूंढने के लिए ही यहाँ पर आए थे। तो इसीलिए वो आदमी किसी को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि आखिरकार मुझे लिथोस्पर्मम मिल ही गया है। लेकिन तभी वहाँ सांप की स्किन पहनी हुई लड़की आ जाती है जिसे आदमी वहाँ पर देखकर उसके बारे में गलत सोचने लगता है। लेकिन तभी टाइटन स्नेक भी वहाँ पर आ जाता है और वो इस आदमी को भी मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टाइटन स्नेक और इस लड़की के बीच काफी गहरी दोस्ती है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी जंगल में कुछ इन्वेस्टर्स को देखते हैं जो कि इस ऑपरेशन के हेड यानी मिस्टर जियांग से खुश नहीं है क्योंकि उसने उन्हें अभी तक कोई भी प्रॉफिट बनाकर नहीं दिखाया। तब जियांग अपने चीफ साइंटिस्ट जिसका नाम लिचेन होता है उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए कहता है। तब लिचेन इन्वेस्टर्स को बताता है कि इस बार का हमारा ऑपरेशन ऑलमोस्ट सक्सेसफुल ही रहा और हम बहुत जल्द लिथोस्पर्मम को ढूंढ लेंगे। जिस पर इन्वेस्टर लिचेन से कहते हैं कि तुम हमारे सबसे अच्छे चीफ साइंटिस्ट हो, इसीलिए हम तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते तुम्हें वहाँ भेजने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी गया है वापस वहाँ से नहीं आया। तब जियांग की बेटी उन इन्वेस्टर्स को बताती है कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें क्योंकि लिचेन के साथ हमारा सबसे अच्छा सिक्योरिटी ऑफिसर यांग भी जा रहा है जो अपने प्रोफेशन में काफी एक्सपर्ट है और पिछले ऑपरेशन का सर्वाइवर भी है। तब ये सुनकर एक इन्वेस्टर कहता है लेकिन ये तो अभी इस ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच वहाँ एक तितली आकर बैठ जाती है जिसको वो सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि यांग आंग चिपकते ही मार डालता है। और तभी हमें पता चलता है कि इस सिक्योरिटी ऑफिसर यानी यांग की एक आंख रोबोटिक है। नेक्स्ट डे लिचेन सिक्योरिटी ऑफिसर यांग और उसकी टीम के साथ अपने ऑपरेशन के लिए निकल जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक के साथ रहने वाली वो लड़की इन लोगों पर नजर रख रही है। फिर कुछ ही टाइम के बाद ये लोग एक केव के पास पहुंचते हैं जहां पर अचानक से बैट यानी चमगादड़ जैसे दिखने वाली क्रिएचर इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब ये देखकर यहाँ के लोग इन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो अपने डायरेक्शन चेंज करके वहाँ से भागने लगते हैं और तब किसी तरह इन क्रिएचर से उनकी जान छूट पाती है। लेकिन फिर अगले ही मोमेंट टाइटन स्नेक इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। तब यांग और उसके लोग तो किसी तरह यहाँ से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन उधर लिचेन पानी में गिरकर डूब रहा होता है जिसके कुछ देर के बाद वो लड़की इसके पास आती है और लिचेन की जान बचाती है। तब इनको देखकर टाइटन स्नेक भी इनके पास आ जाता है। उधर यांग अपने साथियों के साथ जंगल में भाग रहा होता है और इसी दौरान वो कुछ बॉम्ब भी वहाँ ट्रीज पर सेटअप कर देता है और साथ साथ ये उस टाइटन स्नेक पर अटैक करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और तभी यांग की नजर वहाँ पर पड़ी एक स्केलेटन पर जाती है और इसे रोबोटिक आंख की मदद से सारा फ्लैशबैक याद आने लगता है। अभी वो फ्लैशबैक देख ही रहा था कि तभी टाइटन स्नेक वहाँ पर आने लगता है जिसके आने की हलचल से वहाँ पर लगे सारे बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं। इसके बाद यांग का एक आदमी किसी पावरफुल वेपन की मदद से टाइटन स्नेक पर अटैक करता है और उसे वहीं पर ही कैद कर देता है, जिसकी वजह से टाइटन स्नेक अब कुछ भी नहीं कर पाता और ये लोग चारों तरफ से उस पर अटैक करने लगते हैं। उधर वो लड़की लिचेन को पानी से बाहर ले आती है जहाँ लिचेन अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था और वो लड़की भी उसके पास ही बैठी हुई थी। इतनी ही देर में लिचेन को होश आ जाता है, लेकिन वो लड़की टाइटन स्नेक के चिल्लाने की आवाज सुनती है, इसीलिए वो अपने दोस्त टाइटन स्नेक को बचाने के लिए उस तरफ भागने लगती है जहाँ से आवाज आ रही थी। उधर यांग एरो की मदद से टाइटन स्नेक पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी लड़की टाइटन स्नेक के सामने आ जाती है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है, जिसकी वजह से वो एरो आकर उस लड़की को लग जाता है। अब ये देखकर टाइटन स्नेक अग्रेसिव होते हुए पागल हो जाता है और वो एक एक करके यांग के लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट यांग के सारे लोग ही मारे जाते हैं। वहाँ पर लिचेन भी पहुँच जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि लड़की इंजर्ड भी है और बेहोश भी, तो उस लड़की को उठाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है जहाँ वो लड़की अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उसे होश ही नहीं आ रहा था और लिचेन के पास उसका ब्रेसलेट होता है जिसे वो बड़े गौर से देख रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक लड़की को बचाने के लिए आ
आ गया है। लेकिन तभी उस लड़की की आँख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये उसका सिर्फ एक ड्रीम था। अब क्योंकि उस लड़की ने आज से पहले ना तो ऐसी चीजें देखी थी और ना ही एक्सपीरियंस की थी, जिसकी वजह से वो काफी कंफ्यूज होती है। उधर लिचेन लड़की की ब्रेसलेट को स्कैन कर रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस ब्रेसलेट में 1% लिथोस्पर्मम मौजूद है। फिर कुछ टाइम के बाद लिचेन इस ऑपरेशन के हेड मिस्टर जियांग से कॉन्टेक्ट करता है और उसे इस सब के बारे में पूरी रिपोर्ट देता है। यहाँ जियांग लिचेन को इनकरेज करते हुए पूरी सपोर्ट देता है। इसके बाद लिचेन मिस्टर जियांग को बताता है कि मुझे लगता है कि ये लड़की बचपन से ही टाइटन स्नेक के साथ रहती थी, इसीलिए मैं उसे यहाँ पर रख कर उस पर स्टडी करना चाहता हूँ। इसके बाद जियांग की बेटी वहाँ लिचेन के पास आती है। इसी बीच वो लड़की वहाँ पर आकर अपना ब्रेसलेट चुरा कर वहाँ से भाग जाती है और जब लिचेन को ये बात पता चलती है कि वो भाग गई है तो वो भी फौरन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। उधर वो लड़की भागते हुए एक कपल के पास पहुँचती है और आज यहाँ वो फर्स्ट टाइम इंसानों को देख रही थी, उनसे मिल रही थी। इसी वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, अभी भी वो काफी कंफ्यूज होती है। फिर सीन शिफ्ट होकर आता है तीन लड़कों पर, जिन्होंने कुछ बैटरीज को बेचकर कुछ पैसे कमाए होते हैं और वो यहाँ पर पार्टी करने वाले हैं। उनके पास वाइन भी है और इतनी ही देर में टाइटन स्नेक वाली लड़की भी वहाँ पर आ जाती है, यानी उन लड़कों के पास, जहाँ उनमें से एक लड़का बैटरी को चेक कर रहा होता है। लेकिन लड़की को देखने के चक्कर में प्लग दूसरे लड़के की बॉडी पर अटैच हो जाता है और इसी भी जल्दबाजी में उनकी वाइन भी नीचे जमीन पर गिर जाती है और इसीलिए अब इन चारों को इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगते हैं, यानी कि उन तीनों लड़कों को भी और लड़की को भी। लेकिन लड़की की पेन और उसकी मुसीबत टाइटन स्नेक को भी फील हो रही थी, इसीलिए वो लड़की को बचाने के लिए फौरन सिटी एरिया की तरफ आने लगता है। उधर लिचेन जल्दी से वहाँ पर आकर प्लग को हटा देता है, फिर वो लड़की को लेकर वापस आ जाता है। नेक्स्ट डे लिचेन लड़की को इंसानों जैसी लाइफ गुजारने का तरीका सिखाने लगता है, लेकिन उस लड़की को ये सब कुछ करने में काफी मुश्किल आ रही थी, उस बेचारे से तो कपड़े भी नहीं पहने जा रहे थे। इसके बाद लिचेन लड़की को ऑब्जर्व करने लगता है, तब उसे पता चलता है कि टाइटन स्नेक लिथोस्पर्मम खाने की वजह से ही इतना बड़ा हो गया है साइज में, यानी कि वो एक स्नेक से टाइटन स्नेक बन गया है। इसके अलावा लड़की और टाइटन स्नेक एक दूसरे की पेन को फील कर सकते हैं। उधर हम एक बार में देखते हैं यांग को, जो कि टाइटन स्नेक से बच गया होता है असल में, लेकिन वो अपने साथियों की मौत की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा है। मीनवाइल टाइटन स्नेक लड़की को बचाने के लिए सिटी एरिया में पहुंच गया है। इसके बाद हम एक बिजनेसमैन दिखाया जाता है, जो कि कॉल पर किसी से बातें कर रहा होता है, जहां कुछ ही दूरी पर उसकी छोटी बेटी खेल रही होती है। अब इस लड़की का स्केटबोर्ड जैसे ही ट्री के पास जाता है, टाइटन स्नेक उसे दोबारा से उस लड़की की तरफ कर देता है। तभी देखकर वो छोटी लड़की ट्री के पास आने लगती है, जहां उसे टाइटन स्नेक नजर आता है और टाइटन स्नेक भी उसे देख रहा होता है बड़े गौर से। लेकिन तभी अचानक से पीछे से कुछ लोग आकर इस बच्ची को किडनैप कर लेते हैं और वो छोटी लड़की को गाड़ी में बिठाकर वापस आ जाते हैं। अब गाड़ी में हमें छोटी लड़की दिखाई जाती है, जो कि काफी परेशान होती है। लेकिन तभी अचानक से टाइटन स्नेक उस गाड़ी के पास आ जाता है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और वो छोटी लड़की को एज अ बेट यानी टाइटन स्नेक का खाना बनाने के लिए उसे बाहर भेजते हैं। लेकिन टाइटन स्नेक अग्रेसिव होकर उनकी गाड़ी को जकड़ लेता है और एक ही पल में उनकी गाड़ी को निगल लेता है। और तभी इस छोटी लड़की को टाइटन स्नेक की बॉडी में एक तीर घुसा हुआ नजर आता है और वो उस तीर को टाइटन स्नेक की बॉडी से निकाल देती है, जिसकी वजह से टाइटन स्नेक को अब दर्द कम होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक के साथ रहने वाली वो बड़ी लड़की भी इस चीज को फील कर लेती है, इसीलिए फौरन वो नींद से जाग जाती है और वो लिचेन को स्नेक वाला टॉय दिखाकर उसे कुछ समझाने की कोशिश करती है। फिर लिचेन उसे बाइक पर बिठाकर सिटी एरिया में आ जाता है, जहां पर वो लड़की लिचेन को कोई लोकेशन गाइड करने लगती है। फिर वो दोनों उसी लोकेशन पर आ जाते हैं, जहां पर छोटी लड़की ने टाइटन स्नेक की बॉडी से वो तीर निकाला था। उधर टाइटन स्नेक एक नदी के किनारे आ जाता है और वो गाड़ी को अपने मुंह से उगल देता है, यानी कि उसे बाहर निकाल देता है। और जब पास बैठा आदमी ये सब कुछ देखता है तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है और फिर देखते ही देखते टाइटन स्नेक भी पानी में चला जाता है। उधर वो लड़की भी उसे ट्रैक करते हुए यहाँ पर आ चुकी थी, लेकिन टाइटन स्नेक वहाँ पर भी नहीं होता, क्योंकि वो तो पानी में जा चुका था। फिर अगले ही दिन टाइटन स्नेक की न्यूज हर जगह पर फैल जाती है, जिसके बाद पुलिस और स्नेक हंटर उसे पकड़ने में लग जाते हैं। लेकिन इसी दौरान छोटी बच्ची की न्यूज भी सामने आती है, यानी वही बच्ची जिसे टाइटन स्नेक ने बचाया होता है। उधर जियांग की बेटी अपने फादर से कहती है कि टाइटन स्नेक और लड़की में एक दूसरे को लोकेट करने की पावर है, जिसका फायदा उठाकर हम टाइटन स्नेक को आसानी से पकड़ सकते हैं और बाद में उस पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन लिचेन इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और वो जियांग की बेटी से कहता है कि तुम नहीं जानती कि वो टाइटन स्नेक कितना खतरनाक है। इसके बाद जियांग लिचेन को अपने साथ ले जाता है और उसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो कि अगर टाइटन स्नेक किसी दूसरे के हाथ लग गया तो वो उसके साथ क्या करेंगे। वो ये भी
कहता है कि उन्हें पकड़कर मैं टाइटन स्नेक और लड़की को जंगल में बिल्कुल सेफ रखूंगा। जिस पर लिचेन कहता है कि नहीं, वो जगह ठीक नहीं है, उन दोनों का घर फिर भी नहीं बन सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि सारी सिचुएशन की वजह से लिचेन काफी परेशान होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर इन हालात में उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो टाइटन स्नेक और लड़की को बचाना चाहता है, उन्हें कुछ होने नहीं देना चाहता। इसके बाद लिचेन लड़की को अपने साथ एक जगह पर लेकर आता है और वो उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बताने लगता है। तभी सारी बातें बताते बताते लिचेन काफी दुखी हो जाता है, लेकिन तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे तसल्ली देते हुए स्माइल करने के लिए कहती है। लेकिन इतनी ही देर में यांग अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर आ जाता है। वहाँ आते ही वो लिचेन को तो बेहोश कर देता है। मीनवाइल लड़की को ये लोग कैद कर लेते हैं और इसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं। अब लिचेन को भी होश आ जाता है और ये सब कुछ उसके सामने ही हो रहा था, लेकिन वो चाहकर भी उस लड़की की हेल्प नहीं कर पाता। और तभी टाइटन स्नेक को ये चीज फील होने लगती है कि वो लड़की पेन में है, इसीलिए वो लड़की को लोकेट करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन उन लोगों ने लड़की के चारों तरफ हाई वोल्टेज करंट वाला सील लगाया हुआ था, इसीलिए जब टाइटन स्नेक लड़की को बचाने की कोशिश में आगे आता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगता है। करंट इतना हाई वोल्टेज का था कि टाइटन स्नेक वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। अब जियांग के साइंटिस्ट टाइटन स्नेक पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। लिचेन को भी अब पूरी तरह होश आ गई थी और वो इस सारी सिचुएशन की वजह से काफी परेशान था, और जब वो ये देखकर बाहर जाने लगता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बाहर जाने से मना कर देते हैं, लेकिन जियांग उनसे कहता है कि इसे बाहर जाने दिया जाए। बाहर आकर हम लिचेन को देखते हैं कि वो काफी गुस्से में है और वो किसी भी सूरत में लड़की और टाइटन स्नेक को बचाने का डिसाइड करता है। उधर साइंटिस्ट टाइटन स्नेक की एज को चेक कर रहे होते हैं, तब पता चलता है कि ये टाइटन स्नेक तो 350 साल पुराना है। उधर लिचेन लड़की के पास जाता है और उसे बचाकर बाहर ले आता है। फिर लिचेन उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो तो होश में आ ही नहीं रही थी, और इस बात की वजह से लिचेन काफी दुखी हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि असल में लिचेन इस लड़की को पसंद करने लगा था और इसके अलावा लड़की ने उसे पानी में डूबने से बचाया भी था। और तभी लिचेन को वहाँ पर एक बैटरी नजर आती है, जिससे वो इस लड़की को इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की तो अभी भी होश में नहीं आ रही थी। तब ये देखकर लिचेन खुद को इस सब का रिस्पॉन्सिबल समझने लगता है, क्योंकि अगर वो लड़की को यहाँ पर ना लाया होता तो सब कुछ नॉर्मल होता और ऐसा कुछ भी ना हुआ होता। लेकिन तभी अचानक से लड़की को होश आ जाता है। तब लड़की के होश में आते ही टाइटन स्नेक भी होश में आ जाता है, जिसकी वजह से सब लोग डरते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी यांग और उसकी टीम इस पर फायरिंग करने लगती है, जिसके बाद अब टाइटन स्नेक भी इनकी तरफ आने लगता है। तब ये देखकर सभी लोग डरते हुए वहाँ से भागने लगते हैं, और तब जियांग की बेटी इन सबको भागने से रोकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी टाइटन स्नेक एक टैंक को इन लोगों के ऊपर फेंक देता है, जिसमें जियांग की बेटी और यांग दोनों इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके बाद जियांग की बेटी की तो यहीं पर ही मौत हो जाती है। लेकिन यांग जो कि इंजर्ड होता है वो अभी भी नहीं रुकता, हिम्मत नहीं हारता वो अभी भी, और वो उठते ही टाइटन स्नेक पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से टाइटन स्नेक वहीं पर ही गिर जाता है, और तभी वो लड़की भी वहां पर आ जाती है। अब यहां से सीन कट होता है और हमें अगला दिन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक अभी भी जिंदा है और लड़की उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। और तभी वहाँ पर लिचेन भी पहुँच जाता है, लेकिन वो लड़की इसे अब एक बुरा आदमी समझने लगती है। इसके बाद लिचेन भी टाइटन स्नेक को सेम वैसे टच करता है जैसे वो लड़की करती थी, और इसी वजह से टाइटन स्नेक उसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद टाइटन स्नेक और वो लड़की वापिस से अपने घर यानी कि अपनी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ अब इनके साथ लिचेन भी आया होता है, जहाँ पर बहुत सारा लिथोस्पर्मम इसकी आंखों के सामने ही होता है। यहीं पर हम देखते हैं कि वो लड़की अभी भी लिचेन से नाराज है। इसी बीच लिचेन को टाइटन स्नेक की बॉडी पर एक ट्रैकर नजर आता है, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर जियांग ने ये लगाया होगा और बस जियांग की टीम यहाँ पर आती ही होगी। तब ये सोचकर फौरन लिचेन केव से बाहर आ जाता है, जहाँ पर जियांग अपने लोगों के साथ पहले से ही वहाँ पर आ चुका था। यहाँ पर लिचेन उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग उसकी टांग पर गोली मार देता है। इसके बाद लिचेन जियांग की गन को अपने चेस्ट पर रखकर उसे कहता है कि आज मैं उन सारे एहसानों को खत्म कर दूंगा जो कि तुमने मुझ पर किए हैं। ये कहते ही लिचेन खुद को शूट कर लेता है, लेकिन इसी बीच चमगादड़ जैसे क्रिएचर इन पर फिर से अटैक करने लगते हैं। इसी वजह से ये लोग उन पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन ये क्रिएचर उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। इसी सब के दौरान जियांग केव के अंदर आ जाता है और लिथोस्पर्मम को वहाँ पर देखकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है। और अब देखते ही देखते टाइटन स्नेक मिस्टर जियांग को निगल लेता है। उधर बाहर लिचेन अभी भी जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, और जब लड़की उसे इतना इंजर्ड
शर्ट देखती है तो वो काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फिर लीचेन उस लड़की को उसका ब्रेसलेट वापस कर देता है। फिर फ्लैशबैक एक सीन से पता चलता है कि लीचेन को पहले से ही लड़की की बॉडी में डीएनए रिपेयर वाली बात पता चल गई थी, लेकिन उसने अपनी सारी रिसर्च को डिलीट कर दिया था। हालांकि ये चीज इसकी रिसर्च को काफी सक्सेसफुल बना सकती थी। अब इलीगल साइंटिफिक रिसर्च की वजह से जियांग की कंपनी को सील कर दिया जाता है। फिर हम छोटी लड़की को देखते हैं जिसके साथ टाइटन स्नेक वाली लड़की यानी स्नेक गर्ल भी बैठी होती है। इसके अलावा टाइटन स्नेक भी वहाँ पर मौजूद होता है और इन दोनों को देख रहा होता है। इसके बाद टाइटन स्नेक को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।